राजा जनक ने कथा सुनी थी। एक जनक नहीं हुआ है, जैसे भारत का एक प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ, 5-6-7 हो गए। दिल्ली के तख्त पर इस जमाने में कोई भी बैठे तो प्राइम मिनिस्टर है। ऐसे मिथिला के तख्त पे जो भी बैठता था उसका नाम जनक पड़ता था। ऐसे 22 जनकों की परंपरा चली है। जनक का दृष्टांत दिया जाता है कथाओं में, शास्त्रों में। 22 जनक हुए, उसमें से छठे जनक की कथा मैं तुमको सुनाता हूं। छठा जनक जब संसार का विचार करने लगा कि ये संसार क्या है, आखिर इसको छोड़ के प्राणी को मर जाना पड़ता है, माता पिता के विकारी मैथुन से इस जीव का जन्म होता है, माता के गर्भ में ऊंधा होके लटकता है, वो 1 महीने का होता है तो एक जरा सा पौधे जैसा होता है, जरा सा भिमड़े जैसा होता है, फिर माता का मासिक धर्म का खून पी पी के वो जीव फिर बड़ा होता है, 5 महीने होते उन्हें प्राण पड़ता है, फिर माँ तीखा खाती है तो बच्चे को लगता है कोमल चमड़ी पर, माँ क्रोध करती है तो बच्चा अंदर बेचारा दुखी होता है, माँ टेढ़ा मेढ़ा झुकती है तो बच्चा को दबाव होता है, पीड़ा होती है। माँ अगर 5 महीने के बाद बाप के साथ संसार व्यवहार करती तो बच्चे की बड़ी बुरी हालत होती है। 5 महीने के बाद जो सगर्भा नारी है वो पति को नजदीक नहीं आने दे, और पति को नजदीक नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई अनाड़ी पति है तो उन बच्चे के मुंह में वो गंदगी पड़ती होगी, उनका क्या हाल होता होगा, उन मासूम बच्चों को माता और पिता का भोगी जीवन से कितना दुख सहना पड़ता होगा। मां क्रोध करे तो बच्चे के चित्त में, बच्चे के शरीर पर कितना, जैसे घाव पर मिर्च डालो, इतना दुख सहना पड़ता होगा। पिता पाप का धन लाए तो बच्चे को बिचारे को अंदर ही अंदर उसकी बुद्धि विनाश होती होगी। पिता भगवान का चिंतन न करके ऐसे ही भोजन खाता होगा ढोर जैसा, तो बच्चे की क्या हालत होगी। माँ भगवान का ध्यान भजन करके भोजन नहीं बनाती होगी, तीखा चटपटा खाती होगी, तो बच्चे को कोमल चमड़ी पर जैसे घाव पर मिर्च और नींबू घिसो, ऐसे बच्चे को दुख सहना पड़ता होगा। और 9 महीने 13 दिन 15 दिन बच्चा सिर नीचे पैर ऊपर बेचारा टंगा रहता है, उसे पूर्व जन्मों की याद आती है और भगवान को बंदगी करता है कि नाथ अब मुझे तू यहां से बाहर निकाल, अब मैं तेरा भजन करके, तेरा ध्यान करके, तेरा ज्ञान पाकर मैं वासनाओं से मुक्त होकर तेरे में मिल जाऊंगा, प्रार्थना करता है। वही बच्चा जब माँ की प्रसूति से बाहर आता है, बच्चे को पीड़ा होती है, माँ को भी पीड़ा होती है, माँ को पीड़ा होती वो माताएं जानती है, धन्य है माताओं को जो प्रसूति की पीड़ा सहती है। अगर पुरुष ऐसी पीड़ा सहे तो कभी शादी न करेगा। पुरुष अगर पुरुष के पेट से एक बार बच्चे का जन्म हो जाए, पुरुष साधु बन जाएगा। लेकिन माताओं में वात्सल्य प्रेम है। एक विधवा माता, एक अबला माता, किसी का घर काम करके अथवा किसी के घर की चक्की चलाकर अपने बेटे का लालन पालन जितना प्रेम से कर सकती है, उतना विदुर पिता बेटे का, करोड़पति पिता भी बेटे का उतना प्रेम से पालन नहीं कर सकता है। माताओं में प्रेमा शक्ति है, माताओं में त्याग की शक्ति है, माताओं में सहन करने की शक्ति है। माँ अपने को गीले में सुलाकर बेटे को सूखे में सुलाती है, अपने को दुख देकर बेटे को सुख देती है। भूलो भले बिझू बधू, माँ बाप ने भूलशो नहीं, अगणित छे उपकार एना, एक दी विसरशो नहीं। संतान थी से वाचा हो, संतान छो सेवा करो, जेवू करो तेवू भरो, ए भावना भूलशो नहीं। काढ़ी मुखे थी कोड़िया, मो मा दई मोटा कराया, ए कोड़ ना पूर्णार ने कोड़ ने भूलशो नहीं। पत्थर पूजा पृथ्वी तणा, त्यारे दिठा तम मुखड़ा, ए पुनित काल जाने पत्थर बनी छुंद शो नहीं।
उस मां के कलेजे को बेटे जो होने, मां कैसी भी हो, अनपढ़ हो, बूढ़ी हो, अरे अंधी हो, फिर भी तुम्हारे लिए वो भगवान है, तुम्हारे लिए वो देवी है। काली का पूजन तुम न करोगे तो चलेगा, हजारों रुपयों की पूजा शिवजी की तुम करो और मां का अनादर करो तो तुम्हारी पूजा स्वीकार न होगी। काली के ऊपर लाखों रुपए का तुम सिंगार चढ़ा दो, लेकिन घर की जो सच्ची वास्तविक महाकाली माँ है उसका अगर अनादर किया तो वो काली प्रसन्न नहीं हो सकती है। मैं एक आपको सच्ची कथा, सच्ची घटित घटना सुनाता हूं। एक कृष्णानगर नाम का एक नगर है अहमदाबाद में, कुबेर नगर के पास कृष्णानगर है, अभी भी वहां खड़ा है, तीन तीन मंजिल के मकान है। उसमें एक सज्जन रहते थे, हर महीने अंबाजी दर्शन करने जाते थे, अंबाजी दांता के पास, अंबाजी ना आबू के पास, अंबाजी के दर्शन करने जाते थे। लेकिन वो ऐसा अभागा था कि माँ को तोछड़े शब्दों से बुलाता था, जरा पानी दे दे, ये बेटे का ख्याल रखना, हम घूमने जाते हैं, ऐसा अभागा था। एक बार वो पूनम को अंबाजी का दर्शन करने गया, रात्रि को सोया तो अंबाजी ने स्वप्न दिया कि नालायक मेरे पास किराया खर्च करके आता है और मूर्ति के आगे सिर पटकता और दक्षिणा रखता है, वो ट्रस्ट में जाती, लेकिन जो माँ तेरी सेवा करती उसके कपड़ों का ख्याल रखा, मेरा दर्शन करने आता है मेरा दर्शन करने मत आना, उसको उसमें मेरे को नहीं देखा तो पत्थर की मूर्ति में मेरे को क्या तू देखेगा, मेरे पास मत आना। सुबह हुआ, पश्चाताप से वो भर गया। उस आदमी का मैं आपको नाम, उसका घर नंबर, रूम नंबर भी आपको दिखा सकता हूं, वो माई भी तुमको दिखा सकता हूं। मैं घटित घटना आपके चरणों में पेश कर रहा हूं। व्यासपीठ पर संत की जगह पर झूठ बोलने से पुण्य नाश होता है। झूठ क्यों बोलूंगा, मुझे क्या तुमसे लेना है, क्या धोखा करना है। मैं ये सच्ची घटित घटना तुमको सुनाता हूं, विश्वास करो तुम्हारी मर्जी की बात है, न करो तो तुम्हारी मर्जी की बात है। उस भैया को जरा मैं था, लोफर लोक उसका छोटा सा लड़का ले गए, लेकर नर्मदा में भरूच में, भरूच की पुल थी वहां से बच्चे को गिरा दिया। उसका लड़का 10-11 साल का था, मर गया। फिर लोफर पकड़े गए 5 साल के, उनको सजा आ गई, वो भी अखबार में आया और वो उनके सजा का रिकॉर्ड भी है महाराज। फिर भी वो माँ का जो अपराध था अभी माफ नहीं हुआ। अंबाजी ने स्वप्न दिया, वो फिर गया अंबाजी के दर्शन करने को। अंबाजी का दर्शन करके लौट रहा था, किसी जीप वाले को कहा मेरे को बिठाओ बिठाओ, जगह नहीं थी, कैसे भी करके आगे की साइड में वो बैठ गया। थोड़ा सा अंबाजी से नजीक आया और उसने ब्रेक मारी, इसका हाथ छूट गया, उसी जीप के नीचे आके मर गया। उसकी अपमृत्यु हुई, बेटे की अपमृत्यु हुई। अब रुपए हैं तो किस काम के हैं, मकान है तो किस काम का है, कोलसे का बड़ा टाल है तो किस काम का है। जिसने माँ के दिल को सताया, जिसने माँ का अपमान किया, उसने काली का अपमान किया। माताओं में बड़ी शक्ति होती है, सहन शक्ति होती है। एक वैश्या के पास कोई लोफर लड़का जाता था, वैश्या कोई अच्छी संस्कारी रही होगी। लोफर लड़के ने अन अधिकार मांग की, वैश्या ने देखा कि शादी शुदा है, अगर मैं इसको नाच से प्रसन्न करूं, नृत्य से तो ठीक है, और आगे इसको आने दूंगी तो अपनी पत्नी का, अपनी माँ का, अपने कुटुंब का ये सत्यानाश कर देगा। एक बार दारू पीकर उस लोफर ने आग्रह किया कि मेरी इच्छा पूरी होने दे, तू चाहे वो मांग ले। उसने इनकार करा, लेकिन इस लोफर ने आग्रह किया, तब उसने टालने के लिए कहा कि और तो कुछ नहीं चाहिए, तेरी माँ का कलेजा ला के रख, तब मैं तेरे साथ बैठूंगी, तू तब मेरे को टच कर सकता है। वो अभागा था, दारू के नशे में गया, माँ बिचारी सो रही थी, निकाला छुरा, मारा घा, निकाला कलेजा और सीढ़ी से उतरा, नशे नशे में गिर पड़ा, गिर पड़ा, उसे चोट लगी, तब कलेजा बोलता है, बेटा तेरे को चोट तो नहीं लगी, बेटा तुझे दुख तो नहीं हुआ, मेरे बेटे तू संभल के चलता। माँ का कलेजा कट जाए लेकिन बेटे को चोट न लगे, ये माँ का दिल होता है। माँ बनकर देखो तो पता चले माँ में कितनी सहन शक्ति होती, कितनी उदारता होती है। माँ तो माँ है, मातृ देवो भव। अभी मैं तुम्हारे सामने बोल रहा हूं या बैठ रहा हूं, आप लोग मुझे प्रेम देते हैं, आदर देते हैं, मेरे गुरु ने मुझे प्रेम दिया, लेकिन मैं मेरी माँ के पैर दबाता था, मेरी माँ की सेवा करता था, मेरे बाप की सेवा करता था, वे लोग मुझ पर बहुत राजी रहते थे। हालांकि मेरे गुरु ने कहा कि अगले जन्म का योगी है, गुरु है, संत बनेगा, लोगों का उद्धार करेगा।
फिर भी मैंने तो कहा मेरे माँ बाप ही मेरे संत हैं, मेरे माँ बाप ही मेरे भगवान हैं और उन्हीं की कृपा है। वो भले अनपढ़ है, वो भले कुछ नहीं जानती लोगों की नजर से, लेकिन मेरे लिए तो भगवती है। क्या ईश्वर अनपढ़ में नहीं रहता है? जिसको अनपढ़ में भगवान नहीं दिखता है वो पढ़े हुए में भगवान क्या देखेगा? जिसको अपनी माँ में भगवान नहीं दिखे वो मुझ में भगवान क्या देखेगा? जो मुझ में और माँ में भगवान नहीं देखता उसको मंदिर में भगवान क्या देखेगा? गलत बात है। पत्थर की मूर्ति में भगवान नहीं दिख सकता है। जिसको जिंदी माँ में भगवान नहीं दिखे उसको मूर्ति में भगवान दिखे, असंभव है। ओम 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 ओम। राजा जनक सोच रहे हैं कि मां को जो पीड़ा होती है उससे 10 गुनी बेटे को होती है जन्म लेते वक्त। बेटा कभी कभी बेचारा मूर्छित जैसा हो जाता है। मां को पीड़ा होती है तो माताएं जानती, लेकिन बेटे को 10 गुनी पीड़ा होती है। ऐसा जन्म का दुख है। फिर पढ़े न पढ़े, न पास हो तो भी दुख है, पढ़े और पास हो जाए एडमिशन न मिले तभी भी दुख है, पास हो गए नौकरी नहीं मिली तभी भी दुख है, नौकरी मिली लेकिन टंडा होता है तभी भी दुख है, शादी नहीं हुई तभी भी दुख है, बच्चे नहीं होते तभी भी दुख है, और बच्चे हुए और वो भी लोफर होते तभी भी दुख है, लड़की पैदा हुई और फिर अच्छी विचार की नहीं हुई तभी भी माँ बाप को दुख है। अरे संसार में तो दुख ही दुख है। जन्म दुखम, जरा दुखम, जाय दुखम, पुनः पुनः अंतकाले महादुखम, तस्मात जागरही जागरही जागरही। ये ऋषियों ने कहा है, सच्ची बात कही है। कदम कदम पर दुख है। बेटा पढ़ा लिखा लेकिन बेटे के साथ विचार नहीं बनते तो भी दुख है, विचार बनते हैं और बेटे को तकलीफ है तो भी दुख है, बेटे के बेटे भी अगर सुखी नहीं रहते तो दादा को तकलीफ है, और फिर मौत सामने आती है बड़े में बड़ी तकलीफ लेकर, फिर न जाने किसके गर्भ में डाल देगी, ये भी तो तकलीफ ही तकलीफ है। संसार सुख लेने के लिए नहीं है, संसार तो सुख दुख से पार होने के लिए है। ऐसा कोई गुरु मिल जाए, ऐसा कोई संत मिल जाए, ऐसा कोई ज्ञानवान मिल जाए कि मुझे आत्मा परमात्मा का दर्शन करा दे। इस प्रकार की इच्छा से वो महीपति बुद्धिमान राजा जनक ज्ञानियों की खोज करवाता था। कोई पंडित था शास्त्रों में, कोई किसी न्याय का, कोई वैशेषिक का, कोई सांख्य का, कोई किसी का विद्वान था, कोई किसी पंथ का, कोई किसी संप्रदाय के चक्कर में था। जनक ने देखा तो ये तो सब एक एक टहनी को, एक एक डाल को थाम कर जैसे अंधा आदमी हो और हाथी को देखने जाए तो अंधा हाथी के पैर को छूकर बोलता है कि भगवान तो हाथी तो थंबे जैसा है, हाथी के सूंड को छूकर बोलता है तो वो तो सूंड जैसा है, पूंछ को छूकर बोलता है कि ये तो अमुक ऐसा है, कान को छूकर अंधा आदमी बोलेगा कि हाथी सुपड़े जैसा है, लेकिन जिसकी आंख है वो समझता कि सब रंग हाथी में है। ऐसे जिसको ज्ञान की आंख है वो समझता है कि सब कुछ उस मेरे परमात्मा की लीला है। ऐसा कोई ज्ञानी मिल जाए, सब कुछ नाम रूप का आधार ईश्वर है, पर ब्रह्म है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव अविनाशी है, जीव सनातन है। तुम जैनी नहीं हो, जैनी तो आज जन्मे और कल मरेंगे, लेकिन तुम जैनी में भी सनातन हो। तुम गुजराती नहीं हो, तुम पंजाबी नहीं हो, तुम मारवाड़ी नहीं हो, मारवाड़ी तुम्हारा शरीर है भैया, जैनी तुम्हारा शरीर है, गुजराती तुम्हारा शरीर है, हिंदी तुम्हारा शरीर है, लेकिन तुम तो सनातन आत्मा हो, तुम तो सनातन तत्व हो। ऐसा वेद कहता है, शास्त्र कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, ज्ञानवान कहते हैं, और मैं भी वही बात तुमको कह रहा हूं। भले बाहर से मान लो मैं जैनी हूं, लेकिन अंदर से मानना तुम सनातन हो, तुम्हारी कभी मौत नहीं होती, तुम इतने महान हो मेरे भैया, तुम केवल जैनी नहीं हो, जैनी जिसके आधार से टिका है वो तुम्हारा आत्मा तुम हो। शरीर तो शमशान में चला जाएगा, जिसको जैनी बोलते उसका भी शरीर शमशान में जाएगा, जिसको गुजराती बोलते उसका भी शरीर तो शमशान में जाएगा। अगर शरीर से तुम जैनी हो, शरीर से तुम गुजराती हो, शरीर से तुम मारवाड़ी हो, शरीर से तुम रामस्नेही हो, शरीर से तुम कबीरपंथी हो, तो ये थोड़े दिन की बात है, लेकिन आत्मा से तुम सनातन हो।
तुम्हारा आत्मा सनातन है, तुम्हारा आत्मा 2 साल 10 साल 50 साल 1000 साल वाला नहीं है। राम नहीं थे तभी भी तुम थे, कृष्ण थे तभी तुम थे, बुद्ध थे तभी तुम थे, महावीर थे तभी तुम थे, और महावीर प्रकट नहीं हुए थे उसके पहले भी तुम्हारा आत्मा तो था, उसी का नाम सनातन है। ये सनातन सत्य आपको स्वीकार करना पड़ेगा, क्यों कि सत्य सत्य होता है। ऐसा कोई जैनी भाई मुझे मिला नहीं जो कहे कि महाराज मैं शरीर हूं और मैं मर गया तो नहीं रहूंगा, नहीं, आत्मा रहता है, जो आत्मा है वही तो सनातन है। खैर, जनक उस संत की तलाश में थे जो पंथ वाड़ा संप्रदाय के चक्कर से ऊपर का हो, जो सनातन सत्य की खबर दे दे, जो सब में बसा हुआ परमात्मा का दर्शन करा दे, ऐसा कोई समर्थ गुरु मिल जाए। आदमी लगा रखे थे, राजा भरतृ ने समर्थ गुरु को खोजने के लिए राजपाट छोड़ दिया था और गोरखनाथ के चरणों में पहुंचे, और जब गोरखनाथ की कृपा हुई तब राजा भरतृ ने लेखनी उठाई है, जब स्वच्छ सत्य संग कीनो तभी कछु कछु चिन्ह, जब शुद्ध सत्संग मिला कथा कहानी वार्ताएं सब ठीक है। ये इतिहास है, इतिहास के पीछे जो सत्य है वो समझाने वाला कोई सुखदेव मिल जाए, कोई कबीर मिल जाए, कोई शंकराचार्य मिल जाए, कोई अष्टावकर मिल जाए, कोई याज्ञवल्क मिल जाए। मिल गए ऐसे गोरखनाथ जी, तब राजा भरतृ ने वैराग्य शतक में लिखा, अनुवाद की भाषा बोलता हूं, जब स्वच्छ सत्य संग कीनो तभी कछु कछु चिन्यो, मूड जान्यो आपको हरियो भरम ताप को, मैं बड़ा चक्रवर्ती सम्राट हूं ये मेरे अंदर में भूत था, मैं 4 वेदों का जानने वाला हूं, विद्वान हूं, भाट चारण मेरी जय घोष करते, मैं बड़ा आदमी हूं, ये मेरी बेवकूफी थी, ये मेरा भरम था। अब स्वच्छ सत्संग हुआ तब कुछ कुछ जाना, क्या जाना कि मैं मूड था, और मूड था तभी अपने को बड़ा मान रहा था, अभी पता चला कि बड़ा मैं कैसे बड़ा हूं, आत्मा ही है वो बड़ा और मैं आत्मा हूं, मैं भरतृ नहीं, मैं आत्मा हूं और मैं सनातन हूं, अब मुझे पता चला है। तो जनक राजा ने अष्टावक्र की कथा सुनी, अष्टावक्र की कथा सुनते सुनते जनक को साक्षात्कार हुआ है।